नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश अग्रवाल स्वागत करता हूँ आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों हम आज बात करेंगे 72 आवर्स में किस तरह से टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़ को मेंटेन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको मैं इसका लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा जो विश्वस्वरूप राय चौधरी सर ने एक अपने वीडियो में बताया था कि 72 आवर्स में आप किस तरह से टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसका लाइव एग्जांपल है हमारे पास में मिस्टर सुरेश सुमन। जी हाँ दोस्तों, मिस्टर सुरेश सुमन खुद एक डायबिटिक पेशेंट थे एक समय पे। उनको सडनली मैंने विश्वस्वरूप राय चौधरी सर का एक लिंक शेयर किया था, वो लिंक को उनने देखे और उसके बाद में वो सेम प्रोसीजर को अपने आप में इम्प्लीमेंट किए। दोस्तों विद इन अ 6 मंथ, सर तो 72 आवर्स बोल रहे हैं क्योंकि जो सुमन सुरेश जी थे वो कंटिन्यू नहीं करते थे, फिर भी विद इन अ 6 मंथ के अंदर में उन्होंने अपना जो शुगर पे कंट्रोल करके रखा हुआ है और अभी तक के उनका जो शुगर लेवल है वो पूरी तरीके से मेंटेन है विच नेचुरोपैथी। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको सुनाना चाहूँगा उनकी जुबानी। तो मैं बुलाना चाहूँगा सुरेश सुमन को हमारे इस वीडियो में। स्वागत करते हैं सुरेश सुमन का। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं राजेश अग्रवाल जी का धन्यवाद दूंगा, वो बार बार मुझे इस चैनल में एक महत्वपूर्ण जगह देते हैं। आज हम डॉक्टर विश्वराय चौधरी के जी के बारे में फिर से कुछ बात करेंगे कि अभी जैसे डे बाय डे शुगर, कोरोना और भी जो महामारी है फैल रही, उसके ऊपर डॉक्टर विश्वराय चौधरी ने काफ़ी वीडियोस अपलोड किया हुआ है। यदि आप उनको ध्यान से देखेंगे और कुछ चीज़ फॉलोअप करेंगे तो निश्चित ही आपको कई रोगों में उसके लाभ मिलेंगे। मैं खुद भी शुगर का पेशेंट रह चुका हूँ और अभी भी मैं नेचुरल तरीके से ही अपना शुगर कंट्रोल करता हूँ। तो पहले मुझे भी यकीन नहीं था भाई, इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, इतनी मेडिसिन है, इतने रिसर्च हुए हैं, तो ये क्या जूस पीने से कभी शुगर ठीक हो सकता है क्या, क्या हम नेचुरल जो फूड्स लेते हैं उससे कभी शुगर ठीक हो सकता है क्या, ये एक क्वेश्चन मार्क बना हुआ था। लेकिन फिर मैंने सोचा भाई इसमें मेरे पैसे तो खर्चा हो नहीं रहे और सिंपली मैं इसको यदि मैं फॉलो करके देखता हूँ, यदि मुझे कुछ बेनिफिट होता है तो मैं अपने एक्सपीरियंस दूसरों को शेयर करूँगा। तो वो दिन है और आज का दिन है कि मैंने आज करीब करीब उसको 2 साल हो रहा है, मैंने एक भी एलोपैथिक मेडिसिन नहीं लिया और डॉक्टर विश्वराय चौधरी जी के DIP डाइट प्लान को मैं फॉलो करता हूँ। कभी कभी मिस भी कर जाता हूँ लेकिन मैं ये चाहूँगा कि आप मिस मत करो, क्योंकि क्या होता है कि जब आप इस चीज़ को लेते हैं तो आपके और भी हेल्थ बेनिफिट मिलना चालू स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि मैंने शुरू में स्टार्ट किया कि भाई उनके जैसे 12 बजे तक, सुबह से लेके दोपहर के 12 बजे तक केवल आपको नाश्ते में फ्रूट्स लेना है। फ्रूट्स में कौन से फ्रूट्स लेना है वो आपकी इच्छा, जो आपको फ्रूट्स पसंद है वो आप ले सकते हैं। उसके बाद जैसे आप दोपहर का भोजन करेंगे, दोपहर के भोजन में उन्होंने सजेस्ट किया कि आपका प्लेट 1 प्लेट 2 दो होना चाहिए। प्लेट 1 में क्या लेना है आपको, सिर्फ सैलेड लेना है। सैलेड में जो आपको पसंद है, ककड़ी, मूली, गाजर, कितना लेना है ये भी उन्होंने डाइट बताया कि आपके बॉडी वेट के हिसाब से। यदि आपका बॉडी वेट मान के चलिए, सिंपल एग्जांपल में समझाना चाहूँ कि 100 kg है तो आपको करीब करीब 1 kg सलाद लेना है। कब लेना है, खाने के पहले लेना है और उसके बाद जो भी आपका मनपसंद भोजन है वो आप कर सकते हैं। घर का बना हुआ भोजन ले तो ज़्यादा अच्छा है शुरू में। यही प्लान आपको इवनिंग की डाइट में भी करना है। उस समय भी आपको पहले सलाद लेना है और उसके बाद ही भोजन लेना है जो भी आपका पसंद है, यानी उसको प्लेट 1 प्लेट 2 की कैटेगरी में डाला हुआ है। और लाइफ में अभी तक अपन ने सीखी कि जैसे आपको सैलेड लेना है, कब लेते हैं आप थोड़ा सा सैलेड रख लेते हैं, किसी पार्टी में भी गए थोड़ा सा सैलेड, नहीं, आपको मैक्सिमम सैलेड से ही पेट भरना चाहिए। एक्चुअली इंसान, अपन जब धरती में आए थे, पैदा हुए थे, तो अपन लोगों ने क्या लिए थे, कंद मूल और यही चीज़ों से अपन अपना रोग दूर करते थे। आज भी देखिए, आप कोई कुत्ता यदि बीमार हो जाता है या उसका खांसी करता है या उसको कोई भी देता है, वो सबसे पहले जाता है ग्राउंड में घास खाता है, घास खा के ओमिटिंग करता है और अपने जितने भी बैक्टीरिया है या जितने भी उसको बीमारी के जंतु, उसको फ्लशेस आउट कर देता है उल्टी के माध्यम से। क्योंकि देखिए अभी तो चलो जानवरों के भी डॉक्टर्स अवेलेबल हो गए तो उनका ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन आवारा कुत्ते जो होते हैं वो अपना ट्रीटमेंट खुद कर लेते हैं। तो मेरा ये कहना है कि आप विश्वराज चौधरी के उनके तमाम वीडियो को फॉलो कर सकते हैं, जिस चीज़ की सच्चाई है आप दुनिया में बता सकते हैं। क्योंकि अभी क्या हो गया है कि काफ़ी लोग सिर्फ अपने पैसे बनाने के लिए एलोपैथिक और उससे रिलेटेड चीज़ों का ही प्रचार करते हैं। मैं एलोपैथिक की बुराई नहीं करता, एलोपैथिक द बेस्ट मेडिसिन। यदि आपको इमरजेंसी केस में है तो आप एलोपैथिक का जरूर सहारा लीजिए, आप
इमरजेंसी केस में आयुर्वेदिक की तरफ मत जाइए। आप एलोपैथिक का सडनली स्टार्टिंग में आप ले सकते हैं, एलोपैथिक के बाद आप उसमें आयुर्वेदिक में कन्वर्ट होकर आप ट्रीटमेंट को और मेडिसिन को टैपर करके आप फिर से अपनी नॉर्मल जो लाइफ है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं विदाउट मेडिसिन। ये आप विश्वास के साथ में मेरा ये कहना है कि क्योंकि इसके एक्सपीरियंस मैंने काफ़ी लोगों को जब बताया तो वो पहले उन्होंने भी मजाक समझा, बोले क्या यार इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, MD मेडिसिन है, उनकी डिग्रियाँ है, तो वो क्या डिग्री फालतू है? नहीं, डिग्री फालतू नहीं है, दे आर द गुड। और वो जो नॉलेज उनका है उनका नॉलेज का फ़ायदा अपन ने लेना ही चाहिए इमरजेंसी केस में। अपने आप की मेडिसिन आप कभी ना करिए, लेकिन न्यूट्रिशन डाइट और इस चीज़ के लिए कैसा कि आपको किसी की सलाह लेने की ज़रूरत नहीं है। और कोई भी डॉक्टर आपको ये नहीं मिलेगा अभी आप केला मत खाओ, संतरा मत खाओ, जूस मत पियो, क्योंकि ऐसा सिंगल डॉक्टर भी आपको नहीं मिलेगा कि भाई ये पीने से आपको नुकसान है। हाँ, फ़र्क ये है कि वो जो भी MBBS डॉक्टर्स है या आयुर्वेदाचार्य ये है, तो अभी कुछ पेशेंट है उनको पेशेंस नहीं है। डॉक्टरों का थोड़ा सा बिलीव कम है कि भाई क्या ये कंदमूल आयुर्वेदिक इससे भी आदमी ठीक हो सकते हैं क्या, लेकिन इसका जीवंत उदाहरण है बाबा रामदेव। बाबा रामदेव जो आज किसी भी पहचान का मोहताज नहीं है, उनको मेरे ख्याल से सभी बच्चे भी आज पहचानते हैं और जानते हैं। उन्होंने इस चीज़ का महत्व बढ़ाया है, इससे अभी आप देखिए कि आप काफ़ी लोग इसमें बिलीव करने लगे हैं और उसका सहारा लेने लगे। योग, आयुर्वेदा और जो नेचुरल चीज़ों का उन्होंने बढ़ोतरी की है। हाँ, एक और चीज़ बोलूँगा, अभी थोड़ा सा कुछ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी उन्होंने काफ़ी चीज़ें पैटर्न करके बॉटल या इसमें भी लाया है। उनका भी ये कहना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो फ्रेश लो, लेकिन यदि कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है तो आप जूसेस जो पैक जूस है उनका भी बेनिफिट ले सकते हो। लेकिन कोशिश करो कि जहाँ तक आपको नेचुरल वे में जो कोई चीज़ मिलता है, एप्पल का जूस या ऑरेंज का जूस या बाकी जैसे आंवला, एलोवेरा, आप फ्रेश लेंगे तो उसका आपको 100% बेनिफिट मिलने वाला है। लेकिन अभी ऐसे दूर दराज एरिया है जहाँ इस चीज़ों की सुविधा नहीं है, तो आपके जो पैक्ड जूस है उससे भी आप इसका बेनिफिट ले सकते हो। बस मेरा यही कहना है कि आप अच्छे जितने भी लोग हैं उनको फॉलोअप करें यूट्यूब में, और गलत जानकारियाँ ना दें, अपने एक्सपीरियंस शेयर करें ताकि इसका बेनिफिट आप दूसरे व्यूअर्स को भी मिल सके। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, जैसे कि आपने सुने अभी सुरेश सुमन जी, जो खुद पे इम्प्लीमेंट किया इस फॉर्मूले को, और वो शुगर पेशेंट थे, लेकिन आप मानोगे नहीं अभी की उनकी जो रिपोर्ट आती है वो नॉर्मल रिपोर्ट आती है, क्योंकि वो इस फॉर्मूले को मेंटेन करके चलते आ रहे हैं। तो आशा करता हूँ आप भी ये फॉर्मूले को कंटिन्यू रखेंगे, जो भी डायबिटिक पेशेंट है वो अपने आप में इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। और हाँ दोस्तों, मैं डिस्क्रिप्शन में विश्व स्वरूप राय चौधरी सर का लिंक शेयर कर रहा हूँ, आप उस लिंक में भी जाके और अच्छे से इस डाइट को समझ सकते हो, जो उनकी DIP डाइट है शुगर पेशेंट के ऊपर। उन्होंने 72 आवर्स में क्योर करने की जो विधि बताई है, उसमें जो ट्रीटमेंट उनने बताया है, जो प्रोसीजर बताया है, आप वो प्रोसीजर को खुद भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक देता हूँ। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होंगी, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जैसे कि मैं जो भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूँगा वो आप तक के पहले पहुँच पाए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।